जो अन्य प्रांत के लोग जो अपने प्रांत में जाना चाहते थे, आपके क्षेत्र से कितने लोग को उत्तर भारत में जाना है, हमारे वहाँ से 5,000 जितने लोगों को उत्तर भारत जाना है, तो कलेक्टर श्री पूरा प्रशासन ने पूरी रात उसका लिस्ट बनाया, अपने वहाँ से लोगों को कलेक्टर के साथ संपर्क बना के आज ये ट्रेन जा रही है जिसकी 2,400 की क्षमता है, खाली 1,200 लोग ही जा रहे हैं। 900 किलोमीटर तक की आगरा की दूरी ये 15-16 घंटे में पूरे करेंगे। रास्ते में रेलवे प्रशासन और हमारे कलेक्टर के प्रशासन के जरिए इनके लिए भोजन का भी इंतजाम किया गया है और उनको कोई कठिनाई न हो, पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, इस तरह से सभी लोगों को अपने वहाँ से AMTS की बस के जरिए यहाँ लाया और यहाँ लाके उनको रेलवे के अंदर बिठाने का प्रशासन ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। ये लोग जो अपने प्रांत में जाना चाहते थे तो प्रशासन की वजह से और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी की वजह से आज ये लोग अपने प्रांत में जाएंगे और जब पूरा माहौल अच्छा हो जाएगा तब वो वापिस अपने ही प्रांत में आएंगे। वो भले उत्तर भारत में रहते हैं मगर गुजरात को ही अपनी कर्मभूमि बनाई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग वहाँ से यहाँ आके गुजरात के विकास के अंदर अपना योगदान दे। MHA की गाइडलाइन के वजह से हमने कलेक्टर के जरिए लोगों को परमिशन देके जो प्रांत उन लोगों को अपने वहाँ लेने के लिए तैयार है पूरी व्यवस्था की है और उस व्यवस्था के जरिए आने वाले दिनों में आज एक ट्रेन जाने वाली है, रात को 9 बजे दूसरी ट्रेन जाने वाली है। इस तरह आने वाले दिनों में ये सभी जो अन्य प्रांत के लोग गुजरात में बसते हैं उनके बारे में पूरी व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और गुजरात सरकार के जरिए किया गया है तो उसके लिए इसके बारे में मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बधाई देता हूँ।